हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल दो पल विद कोमल एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड हैप्पी। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो के आगे का पार्ट है, जहां पर आपने देखा था हम सब खेत में बने नाग देवता के प्राचीन मंदिर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां हम सभी मिलकर पूजा करेंगे। और हाँ, मेरी वीडियो में बने रहिए और पूरा 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 वॉच भी कीजिए और अपने फीडबैक मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। आपके साथ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी। आपने अगर मेरी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ जाए। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मामा पूजा करने लगे हुए हैं। सबसे पहले मामा अपनी पूजा करेंगे और उसके बाद जैसे उनकी पूजा हो जाएगी, सभी हम अपने हिसाब से अपनी अपनी पूजा कर लेंगे, ताकि हमें भी उनका नाग देवता जी का पूरा आशीर्वाद मिले और सभी सुखी और समृद्ध रहे। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग आए हैं जिन जिन्हें मामा ने इन्वाइट किया था। मतलब बहुत सारे लोगों को तो नहीं इन्वाइट किया था, जो बस अपने अपने खास है और गाँव के आसपास के लोग हैं उन्हें ही बुलाया था। एक तो कोरोना टाइम चल रहा है और उसके बाद ज़्यादा भीड़ लगाना भी ठीक नहीं है, तो बस यहाँ मामा ने बहुत गेस्ट को नहीं इनवाइट किया है। और जिस गांव में यह पूजा चल रही है, उस गांव के ज़्यादातर घरों से, मतलब आप लगा लीजिए लगभग लगभग हर घर से फैमिली आई है। आप सभी शाम को देख पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये मंदिर बहुत ही छोटा सा और टूटा फूटा सा है, जैसे कि बिल्कुल भी सजा हुआ भी नहीं है। तो हाँ जी, ये ऐसा ही मंदिर है। और क्या फ़र्क पड़ता है, श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए ना। मन साफ़ तो आपकी की हुई हर एक चीज़ अच्छी लगती है, मेरा तो यही मानना है। और आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मामा एक एक करके सारी मोमबत्तियाँ जला लेंगे। और आपने देखा कि अगरबत्ती भी मामा ने जला दी और हर तरफ लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर कपूर भी जलाकर यहाँ पर अब आरती की जाएगी। यहाँ पर मेरे भैया बैठे हैं आरती करने के लिए, वो कह रहे हैं कि रखो मेरे हाथ पर, मैं आरती उतारता हूँ। तो बस यहाँ पर वो आरती थोड़ा सा हाथ में पेपर रख के वो हाथ से ही कपूर की आरती उतार लेंगे, मतलब कपूर से आरती उतार लेंगे। और उसके बाद हम सब अपने अपने हाथ जोड़ कर सभी खड़े हो जाएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी अपने नाग देवता के बारे में। आप सभी को पता है हमारे नाग देवता जी कई पुराणों और अन्य मिथक ग्रंथों में देवता के रूप में मान्यता पाए जाते हैं। कई लोग इन्हें बहुत मानते हैं और पूजते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। हम सब यहाँ आने वाले लोग भी इन्हें बहुत मन से पूजते हैं, क्योंकि ये वास्तव में है और हर एक इंसान ने अपनी आंखों से इनके दर्शन भी किए हैं। ये किसी पुराने टाइम की स्टोरी के पात्र नहीं है ना, मतलब कोई कैरेक्टर तो नहीं है पुराने। ये आज भी यहाँ मौजूद है और हम सब इन्हें देखते हैं, पूजते हैं और इन्हें मानते भी हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, क्या आपने ये सुना है? जी हाँ, मैंने भी ये बचपन से जरूर सुना है। माना जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ते हैं, शेषनाग क्रोधित होकर अपने फन को हिलाते हैं और इससे पृथ्वी क्या हो जाती है, डगमगा जाती है। इसी पुरातन बातों और विचारों से नाग पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। वैसे तो पूरी धरती पर ही सर्प मौजूद है, सागर से लेकर रेगिस्तान तक और पर्वत से लेकर मैदान तक। सर्प जाति प्रकृति और हम मानव के संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग जाति का संबंध अनेक रूपों में अलग अलग देवी देवताओं से बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब मामा की यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मामा सभी नारियल फोड़ देंगे एक एक करके, और एक एक करके सभी आएंगे। और आपने देखा ये कपूर जला हुआ है, तो यहाँ पर सब अपनी अपनी लौ की आरती कर लेंगे। और आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग जाति का संबंध अनेक रूपों में अलग अलग देवी देवताओं से बताया गया है। नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता ही तो है, वही श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान है। श्री कृष्ण व काली नाग की कथा हम बचपन से ही सुनते आए हैं। माना माता मनसा नागों की देवी है, बाबा बालकनाथ के साथ भी नाग रहते हैं। भगवान बुद्ध और जैन मुनि पार्श्वनाथ के रक्षक नाग देवता माने जाते हैं। रामायण में विष्णु भगवान के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और महाभारत के श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार बताया गया है। सभी लोगों को पता होगा कि वर्षा ऋतु ही सर्पों के निकलने का समय होता है, अथवा अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में नाग देवता बाहर आते हैं।
माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भोले भंडारी अपनी झोली से विषैले जीवों को भूमि पर विचरने के लिए छोड़ देते हैं और जन्माष्टमी वाले दिन इन्हें पुनर अपनी झोली में समेट लेते हैं। वर्षा ऋतु में बिलों में पानी भर जाने के कारण नाग बाहर आ जाते हैं। इसी कारण प्रत्यक्ष नाग पूजन का समय नाग पंचमी वाला दिन विशेष महत्व रखता है। नाग देवता को सुगंधित चीज़ें बहुत आकर्षित करती है और दूध नागों का अति प्रिय है। नागों के 8 मुख्य रूप में से एक है शंखनाग। शंखनागों पर धारियाँ होती हैं। यह जाति अन्य नाग जातियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमानी मानी जाती है। नागों में आप सभी को कालिया नाग के बारे में तो पता ही होगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, इनके बारे में हम जानेंगे कि कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनका कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित कालिया नाग को यमुना नदी छोड़कर जाना ही पड़ा था। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कुछ इच्छाधारी नाग होते हैं जो रूप बदल सकते हैं। कुछ दुर्लभ नागों के सिर पर मणि होती है। नागों का स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है। 100 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद नागों में उड़ने की शक्ति भी हासिल हो जाती है। 100 वर्ष की आयु के बाद नागों में दाढ़ी मूछ निकल आती है और नाग किसी के भी शरीर में आ सकते हैं। नाग नागिन बदला लेते हैं। नाग प्रजाति का अजगर दूर से ही किसी को भी अपनी नाक से खींचने की ताकत रखता है। नाग खुद का बिल नहीं बना सकते, वह चूहों के बिल में रहते हैं। नाग जमीन के अंदर गड़े धन की रक्षा करते हैं, इसे नाग चौकी कहा जाता है। नागों में मनुष्य को सम्मोहित करने की शक्ति भी होती है। नाग संगीत सुनकर झूम उठते हैं। कुछ नाग पाव वाले भी होते हैं। बड़े नाग सांप आदि शिव का अवतार माना जाता है। तो बस यही तक थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। किसी को सही भी लग सकती है और किसी को ये सब बातें मिथ भी लग सकती है। तो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। मैं तो मानती हूँ इन सब चीज़ों को, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी भी पूजा हो चुकी है। हमने जो हमारे तरफ से जो चीज़ें लगानी थी, रखनी थी, वो सब चीज़ें कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए काव्यान कितने अच्छे से आराम से बैठ गया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए सभी अपनी अपनी एक एक करके पूजा करके सभी पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। और बस मैं आगे क्या बोलूँ, आप आगे देखिए वीडियो में, आपको अच्छा लगेगा देखकर। We'll be right back.
जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम सबकी पूजा संपन्न हो गई है। और ये है मेरी नानी, वो भी कितनी क्यूट है ना। एक तो उसके मेरी नानी के मुँह में बिल्कुल एक भी दांत नहीं है, और इतनी क्यूट से कह रही है मुझे कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती। मैंने कहा नानी को इन्हें बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। और यहाँ पर देखिए हम सबकी पूजा तो हो गई है, आधे से ज़्यादा लोग तो घर की ओर भी चले जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, हमें फ़ोटो क्लिक्स करनी थी और ये सारी यादें अपने अपने फ़ोन में सबको सेव करनी थी, तो हम सब यहाँ रुक गए थे। और उसके बाद कई लोग तो यहाँ से चले जा चुके हैं, हम ही लोग रुके हुए थे यहाँ पे। हम धीरे धीरे पैदल पैदल सभी लोग निकल जाएंगे, तो बस यहाँ से हम निकलने की तैयारी में हैं। बीच में बहुत बड़ा एक गड्ढा सा है, तो यहाँ पर बस हम धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे ये है मेरी नानी का गाँव, मेरी नानी के गाँव का खेत, मेरी नानी का ही खेत है। यहाँ पर भी एक छोटा सा नाग मंदिर यहाँ पर मेरे चाचा ने बना रखा है। तो ये है पूरा खेत मेरी नानी का, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये सब कुछ मेरे मामा संभालते हैं यहाँ पर सब कुछ। और देखे कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर। और यहाँ पर पूजा होते होते शाम ही हो चुकी थी, यहाँ से हमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब 5:30 का टाइम हो रहा है। और उस टाइम पे ठंड भी अच्छी खासी हो रही थी, तो गांव में तो वैसे भी ठंड बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा ही लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो वैसे भी खेत का रास्ता ऊपर खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, और उसके बाद हमें तो चलने फिरने की आदत नहीं होती है खेत में इतने फटाफट से, जैसे बाकी लोग यहाँ के जो रेगुलर लोग होते हैं, यहाँ के जो लोकल होते हैं उन्हें तो बहुत आदत हो जाती है, बच्चों को भी आदत होती है। और उसके बाद हम कभी आते नहीं हैं, और साड़ी पहन कर तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता, और बच्चों को साथ में स्पेशली रख के एक एक को संभालना होता है। एक तो आप अपनी साड़ी भी संभालो, बच्चों भी संभालो, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे रास्तों से चलने की आदत होती नहीं है, तो डर लग रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी यहाँ पे बेर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। यहाँ पर बेर बेर के बहुत सारे वो है पौधे हैं छोटे छोटे से, और बहुत सारे बेर लगे हुए थे यहाँ पर, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ के बेर। और बस यहाँ से अब हम धीरे धीरे घर की ओर निकल जाएंगे, घर जाना है हमें जल्दी से जल्दी, वहाँ पर भी खाना स्टार्ट करना है शाम का। तो मामा वगैरह तो सब चले गए घर पे, एक बार बस नाग मंदिर की पूजा करने की देरी थी। घर यहाँ पे पूजा होने के बाद घर जाकर भी सभी पूजा करेंगे, सब बड़े बड़े वहाँ पे पहुँच चुके हैं पूजा करने के लिए, तो हमें इतनी जल्दी नहीं थी। हम बहुत धीरे धीरे से एंजॉय करते हुए खेत के रास्ते से आ रहे थे, और पता है चल चल के इतना थक चुके थे सभी लोग कि बस आपको क्या बताएं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खासा दूर पड़ता है खेत का रास्ता, घर से लेकर खेत का रास्ता, तो हम सब थक गए थे। अब जा ही रहे थे कि फिर सामने से गौरव आ गया था गाड़ी लेकर, फिर हम सब धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग वहाँ पे गाड़ी में बैठ के आधे से थोड़े थोड़े से लोग हम लोग घर की ओर निकल गए थे। फाइनली हम लोग अभी आप घर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं खाना बन ही रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बन रही है, इन्हें कितनी हैबिट होती है ना डेली, मतलब ये इनका यही काम है, तो बस इन्हें ये आदत हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाना, इतने बड़े बड़े हंडी में खाना बनाने की। और यहाँ पर खाना लगभग रेडी हो चुका है, और आपको मैं आगे दिखाऊँगी, घर के आगे बिल्कुल बिल्कुल आगे में ही है यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बना हुआ है, और इसके पीछे बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड है, तो वहीं पर खाना सबके लिए परोसा जाएगा और सभी वहीं बैठकर खाना खाएंगे, प्रसाद का खाना। और यहाँ पर पूरा गांव ही आया है खाना खाने के लिए, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं,
यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड और काव्या यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए खाना रेडी है और ये पूरा खाना परोसने के लिए रखा गया है। यहाँ पर रोटी भी है, और देखिए यहाँ पर सभी यही बैठ के, सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट होगा, बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो यहाँ रोटी रखी है, और ये आप देख सकते हैं लिट्टी है, जो शहरों का लिट्टी चोखा होता है, ये गाँव का लिट्टी है। यहाँ पर उसके साथ चोखा नहीं होता है, यहाँ पर दाल में बिल्कुल डुबो डुबो कर लिट्टी खाई जाती है, दाल और कढ़ी में। तो यहाँ सभी बहुत पसंद करते हैं, और ये एक्चुअली प्रसाद होता है नाग देवता जी का, यही ये गांव का, ये जरूर ही बनता है लिट्टी यहाँ पर प्रसाद में। तो बस यहाँ पूरा खाना रखा हुआ है, और यहाँ पर थाल सभी बन रही है, और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे सभी खाना भी खाएंगे, और आगे आप देखेंगे हम लोग की मस्ती। तो बहुत अच्छे से आज की पूजा संपन्न हुई, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर इतने सालों बाद ये प्रोग्राम अटेंड करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकिता कितना अच्छे से झूम झूम के नाच रही है, और आगे आप एंजॉय कीजिए हमारा डांस। Yes, DJ. Get some.
सबका डांस हो चुका है, सभी डांस करके बहुत इंजॉय कर चुके हैं और यहाँ पर खाना चल ही रहा है। शाम को 5 बजे से खाना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे खाना अभी चल ही रहा है सबका। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि घर से लगभग लगभग हर कोई आता ही है खाना खाने के लिए, इस प्रसाद को कोई मना कर ही नहीं सकता है और बिना बुलाए ही आते हैं सभी लोग खाना खाने के लिए गाँव की। यही तो एक तारीफ की बात होती है कि मतलब हर कोई इन्विटेशन का वेट नहीं करता है यहाँ पर। मतलब है प्रोग्राम तो है, बस वो अपना ही घर का है और हमें जाना है और हमें वहाँ पर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही है। ये गांव के लोगों की सोच होती है और बहुत अच्छी सोच होती है, यही ऐसा ही होना चाहिए हर किसी के मन में। और यहाँ पर देखिए हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं और इसके आगे का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आगे आप सुनेंगे बहुत अच्छा प्यारा सा सॉन्ग और बस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर बुद्ध धम्मा चिन्नी गौपासिका बुद्ध विहारी जा बुद्ध धम्मा चिन्नी गौपासिका बुद्ध विहारी जाते माझ्या अंगाई पिंपळ झाड झाड शेजारी पाण्याचा आड माझ्या अंगाई पिंपळ झाड झाड शेजारी पाण्याचा आड सदा फुले फुले ही त्याता जाई जोई जी होई वाड सदा फुले फुले त्यात जाई जोईची होई वाड पूजेच्या साठी फुले मी नेते तोडूनी आपल्या हाती तोडूनी आपल्या हाती बुद्ध धम्माची मी गौपासिका बुद्ध विहारी जाते बुद्ध धम्माची मी गौपासिका बुद्ध विहारी जाते त्रिशरण पंचशीला बुद्ध धम्माची मी गौपासिका।